हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन में देखे जानते हैं, यहाँ पे मैं जो पढ़ाऊंगा यहाँ पे वो डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन है कहीं ना कहीं अल्किन चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में दिया हुआ है, या यही रिएक्शन आपका कहाँ पे दिया हुआ है, आपका क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड में दिया हुआ है, वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, या यही रिएक्शन कहाँ पे दिया होगा आपका, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल चैप्टर में दिया होगा, तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना, वो कहीं ना कहीं 12th क्लास के चैप्टर में दिया हुआ है, 11th में दिया हुआ है, 12th में दिया हुआ है, दोनों जगह दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ से पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा कि दोनों जगह का रिएक्शन कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन आते हैं हर एक साल इससे, ठीक है ना। अल्किन का ही रिएक्शन है ये बेसिकली, लेकिन हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं इसको, इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए दांत यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन, तो आप लोग मैं बता चुका था कि इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, शॉर्ट में बताया था जब बता रहा था वहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन बता रहा था, तो वहीं बताया था मैं इस चीज को कि क्या होता है कि तो दो ग्रुप या दो एटम क्या होते हैं, रिमूव करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि तो दो एटम या दो ग्रुप क्या होता है, रिमूव करता है विदाउट एनी एडिशन ऑफ एटम और ग्रुप, मतलब कोई दूसरा यहाँ पे एटम या ग्रुप उसमें ऐड नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि दो एटम या दो ग्रुप बाहर निकला तो उसमें से कोई दूसरा एटम, बाहर से कोई दूसरा एटम या ग्रुप उसमें ऐड होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यहाँ पे कि दो एटम्स या दो ग्रुप्स क्या होगा वहां से रिमूव करेगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स, टू एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट एडिशन ऑफ, विदाउट एडिशन ऑफ एनी अदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो दिक्कत यहां तक मैं हम लोग समझेंगे यहां पे एग्जांपल के साथ। देखिए यहां पे एग्जांपल क्या ले रहा हूं मैं, यहां पे देखिए यहां पे CH3 CH Cl CH3 अल्कोहलिक KOH, ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये नहीं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रहा है। बस मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि दो एटम्स या दो ग्रुप्स क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है ना, विदाउट एनी एडिशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ से, यहाँ से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से Cl, यहाँ से क्या हुआ, एच बाहर निकला, देखिए ध्यान से प्रोडक्ट में, अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या किए, माइनस का HCl कर दिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से ये एटम और ये भी क्या एटम यहाँ से बाहर निकला, क्या बन गया यहाँ पे, प्रोडक्ट बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलिमिनेशन रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लेते हैं इसको, देखे दाम से यहां पे, यहां से भी क्या हुआ, यहां से OH, यहां से क्या बाहर निकला, H बाहर निकला हुआ है और ये बना प्रोडक्ट यहां पे, यहां पे देखे दाम से यहां पे क्या बन रहा है आपका,
अल्कीन ही तो बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, अल्कीन का ही तो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो किससे हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका अल्काइल हैलाइड, ये क्या है आपका अल्कोहल, चेक कीजिए यहाँ पे, इसी से हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे, अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अरे बात समझ में, दो एटम्स या दो ग्रुप यहाँ से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्कीन ही बनता है, और भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे, देखे जानता हूं यहाँ पे, सी एच टू सी एल, यहाँ पे ये बन गया, यहां से क्या बाहर निकला, सी एल बाहर निकल गया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बन गया, थ्री मेंबर रिंग बन गया यहाँ पे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ अल्कीन ही बनेगा, और भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन खासकर क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम बस इलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे इतना समझना है कि दो एटम्स का रिमूवल होगा, और वहां पे कोई दूसरा ग्रुप या दूसरा एटम वहां पे जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, आ रही बात समझ में। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखे दान से यहाँ पे, ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, एच ओ सी एल यहाँ से बाहर निकल गया। बस यहाँ पे देखिए, जो दिया हुआ है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे क्या बाहर निकल रहा है, बस उसको चेक करना है आपको। तो क्या चेक करके ये बताना है, क्या ये एग्जाम्पल इलिमिनेशन का हो सकता है या नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ से एच, यहाँ से सी एल बाहर निकाले, बनाइए, यहाँ से क्या बाहर निकला हुआ है, ओ एच, यहाँ से एच बाहर निकला हुआ है, प्रोडक्ट वो बना, प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अल्किन भी हो सकता है, दूसरे कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन गया, अल्काइन बन गया। बस हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दो एटम्स या दो ग्रुप का यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल होगा। यहाँ से सीएल सीएल बाहर निकल गया, यहाँ से एचसीएल बाहर निकल गया, अरे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, कि दो एटम्स या दो ग्रुप्स का यहाँ पे रिमूवल हुआ, ठीक है ना, दो एटम्स या दो ग्रुप का यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल हुआ, विदाउट एनी एडिशन ऑफ एटम और ग्रुप, मतलब कोई दूसरा वहां पे, अब यहाँ पे एटम या ग्रुप यहाँ पे जुड़ने वाला नहीं है, बस निकलने वाला है और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, नोट कीजिए यहाँ तक इसको, फिर आगे हम बात करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं क्या, यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप्स, ठीक है ना, कितने तरह के होते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए जानते हैं यहाँ पे, मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए जानते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट होता है यहां पे, तो बोलते हैं हम लोग क्या, अल्फा इलिमिनेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा इलिमिनेशन या 1:1 इलिमिनेशन, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, 1:1 इलिमिनेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि दो एटम्स जो रिमूव होंगे ना, वो सेम एटम से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यहां पे क्या बोल सकते हैं कि द इलिमिनेशन, द इलिमिनेशन रिएक्शन इन व्हिच टू एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम एटम इज कॉल्ड अल्फा इलिमिनेशन, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1:1 इलिमिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं, आप एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल
PH1, PH2, ठीक है। और यहां पे हमने लिया NaNH2। ये कैसे हुआ वो बाद की बात है। बस अभी के लिए इतना समझना है क्या कि यहां से एक ही आइटम से क्या हुआ, H और Cl यहां से बाहर निकल गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे बीटा इलिमिनेशन, और ज्यादातर हमें यही पढ़ना है, बीटा इलिमिनेशन ही पढ़ना, पूरा डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1,2 इलिमिनेशन, 1,2 इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1,2 इलिमिनेशन। ये क्या होता है, सिंपल, द इलिमिनेशन रिएक्शन इन व्हिच टू एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव फ्रॉम द सेम एटम, नहीं, फ्रॉम द एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले एटम से बाहर निकलेगा, मतलब वन एक एक ग्रुप एक एटम कहां से निकलेगा आपका, फर्स्ट एटम से, दूसरा कहां से निकलेगा आपका, सेकेंड एटम से, ठीक है ना। यहां पे सिंपल सा क्या बोल सकते हैं कि रिमूव्ड फ्रॉम, ये पूरा लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, मैं यहां से लिख रहा हूं, रिमूव फ्रॉम द एडजेसेंट एटम, रिमूव फ्रॉम द एडजेसेंट एटम, ठीक है ना, और 1,2 एटम, ठीक है, इज कॉल्ड बीटा इलिमिनेशन। यस, क्या बोलते हैं हम लोग, 1,2 इलिमिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं मैं यहां पे, पे यहां से क्या हुआ, सीएल यहां से निकला, यहां से क्या निकला, एच, तो अगल बगल एटम से निकला, कोई दिक्कत यहां तक। पे बीटा अल्फा, समझते हैं ना, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। लिविंग ग्रुप जिस फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। लिविंग ग्रुप सीएल जानते हैं लिविंग ग्रुप होता है, अब ये नहीं कि सर लिविंग ग्रुप क्या होता है पता नहीं है, ये पता होना चाहिए। सीएल यहां पे क्या, लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप जिस फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। और ऐसे भी जनरल नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि फंक्शनल ग्रुप जिस फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, तो ये अल्फा, तो ये बीटा, ये बीटा हो जाएगा, इसको नाम देते हैं क्या, बीटा 1, इसको बोल देते हैं क्या, बीटा 2, हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, तो मतलब अल्फा और बीटा से बाहर निकलेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, बीटा इलिमिनेशन, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1,2 इलिमिनेशन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसको तो नेक्स्ट यहां पे देख रहे हैं क्या, 1,3 इलिमिनेशन, ठीक है ना। मिले तो हमें पढ़ना है क्या, 1,2 इलिमिनेशन, थोड़ा बहुत पढ़ना है हमें क्या, 1,1 इलिमिनेशन, थोड़ा बहुत 1,3, बस ज्यादा नहीं, 1,4 थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं यहां पे क्या, थर्ड का अल्फा बीटा गामा इलिमिनेशन। या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1,3 इलिमिनेशन, ठीक है। 1,3 का मतलब समझ रहे हैं ना, कि दो एटम्स या दो ग्रुप्स किससे बाहर निकलेंगे, 1 और 3 एटम से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यहां पे क्या बोल सकते हैं कि वहां पर लाइन लिख लीजिएगा पूरा, हम यहां से लिख रहे हैं क्या, रिमूव फ्रॉम 1 एंड 1st एंड 3rd एटम, रिमूव फ्रॉम 1st एंड 3rd एटम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1,3 इलिमिनेशन, या तो क्या बोलते हैं हम लोग, गामा इलिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पे लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को, देखिए ध्यान से, यहां पे CH2Cl, CH2SO4,
एन सी एच टू सी एल, यहाँ पे हमने ले लिया क्या जिंक के साथ, इसको हीट कर दिया, यहाँ बनता है आपका जस्ट यहाँ पे दिखाया था, ये बनता है कंपाउंड, यहाँ सी एल बाहर निकल चुका है, कहाँ से निकला, अगर इसको अल्फा मानते हो तो ये बीटा हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे गामा बोलेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा और गामा से निकला मतलब वन और थ्री से बाहर निकला, तो क्या बोलते हम लोग वन थ्री इलिमिनेशन रिएक्शन, कोई दिक्कत यहां तक। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल पी एच सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एल अल्कोहलिक के ओ एच, ये बना यहाँ पे। तो यहां से क्या हुआ, ये वन टू ये थ्री, मतलब वन से और थ्री से बाहर निकला, ठीक है ध्यान से, यहाँ पे वन से और कहाँ से निकला बाहर आपका थ्री से बाहर निकला, ऐसे भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। वन टू थ्री मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वन और थ्री से बाहर निकलेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग वन थ्री इलिमिनेशन, या तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग गामा इलिमिनेशन, ठीक है ना। फोर्थ यहाँ पे क्या बोल सकते हैं वन फोर इलिमिनेशन, वन फोर मतलब समझ रहे हैं ना कि रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट एंड बोलिए फोर्थ एटम, रिमूव्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ एटम क्या बोलते हैं हम लोग वन फोर इलिमिनेशन, या अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा है ओमेगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग ओमेगा इलिमिनेशन, कुछ भी नाम दे दिए कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, अल्फा बीटा गामा ओमेगा ऐसे होता है डेल्टा, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे क्या बोलना है वन फोर इलिमिनेशन बोलना है, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखे जानते हैं, यहाँ पे सी एच टू सी एल सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एल, ये बना यहाँ पे, यहाँ पे क्या वन फोर से बाहर निकला, वन एंड फोर से बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बन गया रिंग बन गया, यहाँ भी ध्यान, यहाँ भी क्या वन और फोर से बाहर निकला सी एल, अब ये कैसे बना, ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है, लेकिन ये क्या होता है मेजर होता है, ये क्या होता है माइनर होता है बताऊंगा आगे, क्योंकि ये क्या आपका कंजुगेटेड सिस्टम एंड कंजुगेटेड पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई का यहाँ पे कंजुगेशन है, जो कि क्या होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द रिंग, क्योंकि रिंग के अंदर क्या हो गया डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण ये कम स्टेबल होगा, ये क्या होगा आपका मोर स्टेबल होगा, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो ये कैसे हुआ आगे मैं बता डिस्कस करूंगा इसके बारे में, लेकिन अभी हमें यहां पे क्या चेक करना है कि वन फोर से बाहर निकला तो क्या बोलेंगे वन फोर इलिमिनेशन, ये भी वन फोर से बाहर निकला क्या बोलेंगे वन फोर इलिमिनेशन, तो देखिए ध्यान से यहां पर यह क्या हो गया आपका अल्फा बीटा गामा सॉरी ओमेगा, इसको डेल्टा कर लीजिए, इसको डेल्टा कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब वहां पे ओमेगा करते हैं हम लोग, ठीक है ना, वन फाइव से बाहर निकलेगा तो ज्यादातर वन फाइव भी हो जाएगा, फिर वन सिक्स भी हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा रिंग का फॉर्मेशन होगा वहां पे, अरे बात समझ में, तो वो भी होता है वन फाइव भी होता है वन सिक्स भी होता है, वहां पे क्या होता है रिंग का फॉर्मेशन होगा, सोचिए ना ऐसे एग्जाम्पल लेंगे वहां भी हम लोग, यहाँ पे दो कार्बन और बढ़ा देंगे, दो बढ़ा चार है, दो और बढ़ा देंगे तो वन सिक्स हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे तो वन फाइव हो जाएगा, अरे बात समझ में। तो ये सेम एग्जाम्पल वहां भी मैं लूंगा और वहां पे 15 और 16 बोलूंगा उस चीज को, तो मतलब नहीं है आपको समझ में तो आ गया यहां तक, ठीक है ना, और इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं आप उस चीज को, तो इसलिए ध्यान रखना है चीज का, अगर 15 हो गया 16 हो गया तो भी वो क्या होगा इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, वो दिक्कत यहां तक क्लियर है आगे बात समझ में। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इलिमिनेशन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से ही हो, यहाँ पे अभी जो भी मैंने एग्जांपल लिया सबके सब क्या है आपके कार्बन एटम को मैं ही शो कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे एटम से भी इलिमिनेशन हो सकता है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, नोट कीजिए पहले लिख लीजिए 15 एंड 16 इलिमिनेशन, साथ में लिख लीजिए इसको इलिमिनेशन,
इलिमिनेशन, ठीक है, 15 एंड 16 इलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पे देखिए यहां पे CH2Cl, CH2 ये सब हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ना है बाबू। ऐसा नहीं है कि ये सब रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो फालतू एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं ये सब दिया हुआ है, हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वन साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, पांच है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। पी एच सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, ये कंपाउंड बनेगा। ये कैसे हुआ तो बताऊंगा मैं आगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। यहां से 1 और यहां से 5, चेक कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो यहां से सीएल बाहर निकला, यहां से क्या बाहर निकला, एच, और ये दोनों क्या बना रहे, रिंग बना लिया, चेक कर लीजिए, वहां पे 5 में रिंग बन जाएगा वहां पे, ठीक है ना। कैसे हुआ सब पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सबके सब क्या है आपके, कि जो दो एटम्स या दो ग्रुप्स रिमूव होते हैं वो क्या होते हैं, सेम सॉरी कार्बन एटम से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पे क्या होता है कि जो एटम्स या ग्रुप्स है वो दूसरे एटम से भी बाहर निकलता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देख दो यहाँ पे CH3CHOHCN, ठीक है, यहां बनता है आपका CH3CH डबल बॉन्ड हो, चेक कीजिए यहां पे, यहां से क्या बाहर निकला, सोचिए थोड़ा सा, CH3 तो है यहां पे, C भी है, H भी है, बट यहां से बाहर कौन निकला, H यहां से निकला और यहां से क्या बाहर निकला, CN, तो यहां से माइनस का HCN बाहर निकला, चेक कीजिए वहां पे। तो जो यहां से HCN बाहर निकला तो H कहां से निकला, ऑक्सीजन एटम से बाहर निकला, CN कहां से निकला, कार्बन एटम से बाहर निकला, अरे बात समझ में। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एटम्स कार्बन एटम से ही रिमूव हो, दूसरे एटम से भी रिमूव हो सकते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो क्या होगा यहाँ पे सोचिए, मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा इलिमिनेशन होगा, अल्फा इलिमिनेशन या बीटा इलिमिनेशन, गामा इलिमिनेशन, कहाँ से निकला, 1 और 2 से बाहर निकला, चेक कीजिए ना, 1 एंड 2, सोचिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा इलिमिनेशन, या तो बोलते हम लोग 1, 2 इलिमिनेशन, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। एक पॉइंट आपको और यहाँ पे और लिखना है, देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो एटम्स दो ग्रुप बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, देख रहे थे ना, दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है, और वहां पे क्या हो रहा है, या तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यही ना हो रहा है, जहां पे अल्किन बन रहा है वहां पाई बॉन्ड बन रहा है, जहां पे रिंग बन रहा है वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी का खर्च ज्यादा होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितने भी यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन है ना वो सबके सब हाई टेम्परेचर पे होते हैं, लो टेम्परेचर पे इलिमिनेशन रिएक्शन संभव नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ऑल इलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑल इलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, किस पे हो रहा है आपका, हाई टेम्परेचर पे इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना, लो टेम्परेचर पे नहीं होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है,
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड। और भी कितना तोड़ रहे हैं, एक नहीं दो दो तोड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वहां पे एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं यहाँ पे क्या कि जो हम लोग को पढ़ना है इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, वो क्या है आपका बीटा इलिमिनेशन। क्या पढ़ना है हम लोग यहाँ पे, बीटा इलिमिनेशन। बीटा इलिमिनेशन मतलब यहां पे क्या हुआ कि टू एटम्स रिमूव फ्रॉम द एडजेसेंट एटम, ठीक है, यहां पे CH3, CH, Cl, CH2H, यही ना है, दो एटम्स यहां से रिमूव होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां पे दो एटम्स को रिमूव करना है, ठीक है ना। हम जानते हैं यहां पे एक क्या होगा आपका लिविंग ग्रुप, एक क्या होगा यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप। इसमें जो बीटा इलिमिनेशन में जो हम बीटा इलिमिनेशन में जो एटम्स रिमूव होंगे ना, वो कौन कौन से एटम या कौन कौन से ग्रुप होंगे, तो एक होगा आपका क्या लिविंग ग्रुप, और दूसरा क्या होगा आपका एच प्लस। ध्यान रखना है बीटा इलिमिनेशन में दो एटम्स जो रिमूव होते हैं या दो ग्रुप जो रिमूव होते हैं वो कौन से होंगे आपके, एक होगा आपका एच प्लस, दूसरा क्या होगा आपका लिविंग ग्रुप। ध्यान रखना है चीज का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीएल को हटा के यहाँ पे क्या जोड़ दे रहा हूँ, लिविंग ग्रुप, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, क्या लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप जब भी बाहर निकलता है तो वो निगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, निगेटिव फॉर्म हो सकता है या तो न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जब भी बाहर निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, तो उस पर क्या आएगा, या तो निगेटिव चार्ज होगा आएगा, या तो पहले तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला अगर लिविंग ग्रुप होगा, जैसे H2O पॉजिटिव, याद है ना, अल्कोहल में पढ़े थे हम लोग, अल्कोहल चैप्टर में, मतलब अल्कोहल में पढ़े थे, मतलब SN1 SN2 बताया था ना, वहां पे वहीं बताया था कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, तो वहां पे OH को क्या किए थे, H+ दिए थे, वाटर बन गया था OH2 पॉजिटिव, याद है, OH2 पे पॉजिटिव, वो पे क्या आया था पॉजिटिव चार्ज, वो भी क्या था लिविंग ग्रुप था, ठीक है ना। जब वो बाहर निकला था तो वहां पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं आया था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला था, अब पहले से उस पर क्या था पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया था। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज वाला हो सकता है, या तो क्या हो सकता है आपका न्यूट्रल वाला हो सकता है। न्यूट्रल जब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज आएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज वाला लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या कि दो एटम्स बाहर निकलेंगे, एक होगा लिविंग ग्रुप, दूसरा क्या होगा आपका एच प्लस, और एच जब भी बाहर निकलेगा वो कैसे बाहर निकलेगा, प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब यहां पे दो एटम्स को बाहर निकलना है, वो कैसे निकलेगा बाहर, हो सकता है कि पहले ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए तब एच प्लस बाहर निकले। दो चीज को बाहर निकलना है, कितने तरह के रास्ते हो सकते हैं इसको निकलने के लिए, हो सकता है कि पहले यहां से, पहला रास्ता मैं बता रहा हूं कि पहले लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाए तब यहां से एच प्लस बाहर निकले। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि पहले नहीं, यहां से एच प्लस बाहर निकल जाए तब लिविंग ग्रुप बाहर निकले। तीसरा ये हो सकता है कि दोनों के दोनों यहां से साथ में बाहर निकले, कैसे बाहर निकले, साथ में साइमल्टेनियसली बाहर निकले। तो यहाँ पे तीन रास्ता हो सकता है, आ रही बात समझ में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पाथवे वन में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे लिविंग ग्रुप लिप्स फर्स्ट, जब भी लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। जब भी लिविंग ग्रुप फर्स्ट टाइम बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लिविंग ग्रुप लिव फर्स्ट, यहाँ पे ऐसा लिख लें कि इफ लिविंग ग्रुप लिव फर्स्ट देन कार्बोकेटायन देन कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड देन आफ्टर एच प्लस, मतलब एच प्लस विल रिमूव,
ठीक है, तब उसके बाद क्या होगा, एच प्लस वहां से रिमूव होगा, और इस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पाथवे इज कॉल्ड E1 पाथवे। E1 का मतलब समझते हो, जैसे SN1 होता है ना, SN1 का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे क्या हो जाएगा, यूनिमोलेक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो मैं यहां पे इसको दिखा देता हूं कैसे, कि CH3CH लिविंग ग्रुप CH2H, यहां से लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकला तो क्या बनेगा, यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तब यहां से क्या बाहर निकलेगा आपका, H प्लस। तब यहां से क्या बाहर निकलेगा आपका, H प्लस, माइनस का H प्लस, और यहां से क्या बाहर निकलेगा, माइनस का लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत यहां तक, माइनस का यहां पे क्या बाहर निकलेगा आपका, लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो ये क्या हुआ आपका, टू स्टेप रिएक्शन हुआ। पहला स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकला, बना कार्बोकेटायन, फिर सेकंड स्टेप में क्या बाहर निकला आपका, एच प्लस बाहर निकला। मतलब ये क्या हो गया, टू स्टेप रिएक्शन हो गया। हम लोग क्या बोलेंगे कि E1 रिएक्शन इज अ टू स्टेप रिएक्शन। E1 रिएक्शन क्या होगा आपका, दो स्टेप का रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत यहां तक, डिटेल में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं E1 रिएक्शन के बारे में, अब इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं यहां पे सेकेंड पाथवे, अब यहां पे क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप था, मैं यहां पे बना देता हूं इसको CH3CH लिविंग ग्रुप CH2H। सेकेंड पाथवे हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि अगर यहां से लिविंग ग्रुप और H दोनों साइमल्टेनियसली बाहर निकले, मतलब एक साथ बाहर निकले, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाथवे सेकेंड। हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे कि इफ लिविंग ग्रुप एंड H प्लस will remove simultaneously, then no carbocation gets formed, no rearrangement। जब कार्बन बनाए नहीं तो वहां पे कोई रिअरेंजमेंट का बात ही हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। दिस पाथवे इज कॉल्ड E2 पाथवे, या E2 रिएक्शन, ठीक है ना। E2 का मतलब क्या हुआ, SN2 होता है ना, SN2 में क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है उसी टाइम न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जिस टाइम अटैक करता है ना उसी टाइम लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, दोनों काम एक साथ होता है ना SN2 में। तो यहां भी वही होगा कि लिविंग ग्रुप और H प्लस यहां पे क्या होगा, साइमल्टेनियसली बाहर निकलेंगे यहां से, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं हम लोग, बाई मोलेक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाई मॉलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। देखो ध्यान से, यहां पे CH3CH लिविंग ग्रुप CH2H, यहां पे क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों यहां पे साथ में बाहर निकला, माइनस का H प्लस माइनस का लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे रिएजेंट, ये सब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर दोनों साथ में बाहर निकला इसको क्या बोलेंगे हम लोग, E2 पाथ पे बोलेंगे। और ये क्या होगा आपका, वन स्टेप रिएक्शन होगा कि टू स्टेप रिएक्शन होगा, क्योंकि एक साथ बाहर निकल गया ना तो बस एक ही बार बन गया प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा आपका वन स्टेप पाथवे। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि E2 रिएक्शन इज अ वन स्टेप रिएक्शन।
इटरेशन क्या होगा आपका, वन स्टेप रिएक्शन होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। हम लोग बात करें यहां पे क्या पाथवे थ्री का, पाथवे यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं थ्री का, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोलेंगे कि इन दिस पाथवे बीटा एच प्लस, ये बीटा एच है ना आखिर, या भी लिख सकते हो बीटा एच प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, बीटा एच प्लस एच प्लस बीटा एच प्लस रिमूव फर्स्ट एंड फॉर्म। जब भी एच प्लस बाहर निकलता है तो क्या बनता है, एनायन बनता है, बताते ना एसिड बेस में। तो इन दिस पाथवे बीटा एच रिमूव फर्स्ट एंड फॉर्म कार्बन एनायन एंड देन लिविंग ग्रुप लिव्स, और तब क्या होता है कि लिविंग ग्रुप वहां से लिव करता है। तो दिक्कत यहां तक, इस पाथवे को बोलते हम लोग दिस पाथवे इज कॉल्ड E1CB पाथवे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, E1CB पाथवे। E1CB का मतलब क्या होता है, यूनिमोलेक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कंजुगेट बेस, यूनिमोलेक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कंजुगेट बेस। और ये भी क्या होगा, वन स्टेप या टू स्टेप, टू स्टेप। पहला स्टेप में क्या होगा, बीटा एच प्लस बाहर निकलेगा, क्या बनेगा यहां पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा, तब यहां पे क्या बाहर निकलेगा आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। क्या बोलेंगे यहां पे कि दिस पाथवे इज अ टू स्टेप पाथवे, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं हम लोग, टू स्टेप पाथवे होगा। इसको नोट कीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं इसका, देखता हूं यहां पे एग्जांपल CH3CH लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। यहां से किसको बाहर निकाल देंगे, एच प्लस को बाहर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा यहां पे, एच प्लस बाहर निकलेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा। बताया था निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करता है, वहां से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है, पुअर लिविंग ग्रुप को, याद है। तो गुड लिविंग तो बाहर निकलेगा ही ना। अब यहां पे कौन सा लिविंग ग्रुप होगा, मैं आगे डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। यहां पे सिंपल से क्या हुआ कि लिविंग ग्रुप अगले स्टेप में बाहर निकल गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, E1CB पाथवे। ये भी क्या हुआ, टू स्टेप पाथवे हो गया, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, तो पाथवे वन पाथवे टू एंड पाथवे थ्री क्लियर हो चुका है यहां तक। अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं क्या टाइप्स ऑफ बीटा इलिमिनेशन, टाइप्स ऑफ बीटा इलिमिनेशन। बीटा इलिमिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो हमने देख लिए अभी जस्ट यहां पे। पहला हम लोग क्या देख लिए, E1, दूसरा क्या देख लिए E2, तीसरा क्या देख लिए हम लोग E1CB, एक चौथा भी होता है उसको बोलते हैं हम लोग EI या इसको बोलते हैं हम लोग EC, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रिंग का फॉर्मेशन होता है, मैं इसको अलग से डिस्कशन करूंगा, इससे मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे तीन करेंगे डिस्कशन, उसके बाद चौथा हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। एक चौथा भी होता है यहाँ पे EI या इसको क्या बोलते हैं हम लोग EC, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। यहाँ तक क्लियर हो चुकी बात है आप लोगों को, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि बीटा इलिमिनेशन में क्या होता है कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि इन ऑल बीटा इलिमिनेशन, जितने भी आपके बीटा इलिमिनेशन है ना उसमें क्या होता है कि टू सिग्मा बॉन्ड्स गेट ब्रोकन एंड वन पाई बॉन्ड
इज फॉर्म्ड। बताया था आप लोगों को कि से इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है। तो हो सकता है कि मैं जब बताया था स्टार्टिंग में इलिमिनेशन रिएक्शन, तो जितने भी इलिमिनेशन रिएक्शन उसमें क्या होता है कि दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, ठीक है ना, और वहां पे हो सकता है कि एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए या हो सकता है कि वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जितने भी बीटा इलिमिनेशन है ना, उस सब में क्या होगा कि इसे दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और वहां पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और वहां पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना है। और जितने भी इलिमिनेशन रिएक्शन है सब हाई टेम्परेचर पे होते हैं, तो पता है आप लोगों को, बताया हुआ है, मैं जस्ट बताया था इसको। और यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जितने भी बीटा इलिमिनेशन है सब में क्या होता है, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है और एक पाई बॉन्ड का वहां पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, दिखाएंगे एग्जाम्पल, देखें देखें ना, ये बीटा इलिमिनेशन है, क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी जितना भी इलिमिनेशन पढ़ेंगे, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हॉफमैन इलिमिनेशन, पोप इलिमिनेशन, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, जैंथेर, जितना भी रिएक्शन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उस सब में क्या होगा आपका कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक पाई बॉन्ड का क्या होगा आपका वहां पे फॉर्मेशन होगा। इस बात का ध्यान रखना है हमें। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, नोट कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, यहां पे E1 पाथवे, E1 रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहां पे फर्स्ट रिएक्शन यहां पे मैं पढ़ने जा रहा हूं क्या, यूनिमोलेक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, E1 रिएक्शन या E1 मैकेनिज्म। तो यूनिमोलिकुलर आप लोग मैं बता चुका था पहले ही, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि RDS स्टेप में केबल और केबल, स्लो स्टेप में केबल और केबल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बताए थे ना, याद है SN1 SN2 जब पढ़ा रहे थे वहां बताए थे ना कि यूनिमोलिकुलर क्या होता है, बाई मॉलिकुलर क्या होता है। अगर RDS स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिमोलिकुलर। अगर RDS स्टेप में मतलब स्लो स्टेप में अगर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग, बाई मॉलिक्यूलर। ऐसे बताया हुआ है चीजों को, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं यहां पे यहां पे क्या बोल सकते हैं, द इलिमिनेशन रिएक्शन इन व्हिच ओनली वन मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटेड इन द स्लो स्टेप। ऐसे क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप, ठीक है ना, इज कॉल्ड यूनिमोलेक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, समझते हैं इसको एग्जांपल से। देखिए ध्यान से यहां पे, जैसे हम लोग वहां पे लिए थे ना SN1 में, वही मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां भी वापस। देखिए ध्यान से यहां पे, याद होगा कि यही हम एग्जांपल लिए थे वहां पे, और यहां पे लिखे थे क्या, H2O, याद है। बट वहां पे मैं हीट नहीं लिखा था, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, यहां पे हीट, ठीक है ना।
यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3, तो यहाँ से क्या हुआ, माइनस का HCl हुआ। चेक कीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस का HCl, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ HX बोल सकते हैं, और रिमूवल ऑफ HX हुआ तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीहाइड्रो हैलोजेनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, डीहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन। क्या मतलब क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX, ठीक है ना। यहां पे X हम लोग क्या क्या लेंगे, Cl होगा, Br होगा एंड I होगा, ठीक है यहां तक आ रही बात समझ में। यहां पे जो X होगा वो क्या होगा, Cl होगा, Br होगा, I होगा, F भी होता है, लेकिन वो क्या होता है आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो वहां पे क्या होता है, E1Cb हो जाता है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है आपका E1Cb हो जाता है, तो हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो खैर वो भी निकलता ही है, ऐसा नहीं कि वो नहीं निकलता है, भले वो लेट से निकले बट वो निकलता है, F भी निकलता है, लेकिन हम लोग E1 के अंतर्गत या E2 के अंतर्गत इसको F को नहीं लाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वो बाहर निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये फ्लोरीन क्या होता है, बताए थे ना ये सब क्या है आपका, फ्लोरीन क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप, OH- F- NH2- OR- बताए थे ना, अमोनिया, ठीक है ना, ये सब क्या होता है आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी से बाहर नहीं निकलता। वो कैसे बाहर निकलता है, इंटरनल अटैक से बाहर निकलता है, या तो क्या करते हैं उसको हम लोग गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके वो पुअर लिविंग ग्रुप वहां से लीव करेगा, ऐसा बताया हुआ चीज है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मैंने नया जोड़ दिया, ठीक है ना। अब मैं बोला भी था कि 4-5 एग्जाम्पल पुअर लिविंग ग्रुप का है, जो आपको कंठस्थ कर दीजिए, याद कर लीजिए उसको, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ HX, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली ये तीनों इसमें आएगा, फ्लोरीन आता है आपका कहाँ पे, E1Cb में, आगे बताऊंगा E1Cb के बारे में, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका कैसे होगा मैकेनिज्म, हम देखते हैं क्या मैकेनिज्म। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे वाटर लिए थे, याद कीजिए वाटर यहाँ पे क्या है आपका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और बताए थे कि वाटर जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम भी करता है और साथ में बेस की तरह भी काम कर सकता है। बताए थे ना कि किसी भी एटम के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका दो रोल होता है, एक एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है और एक एज अ बेस होता है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। बताए थे कि जो वाटर होगा न्यूक्लियोफाइल का काम कब करेगा, लो टेम्परेचर पे काम करता है वो, लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर एज ए बेस यहाँ पे काम करेगा। हाई टेम्परेचर पे वाटर कैसा काम करेगा, वो एज अ बेस काम करेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी इज द थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी होता है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है आपका, काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, अरे बात समझ में। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे समझते हैं चीज को, यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे स्टेप वन में क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि E1 रिएक्शन है, तो E1 रिएक्शन में RDS स्टेप में केवल केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो पहला स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, या हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रुप लिव्स इन द फर्स्ट स्टेप एंड फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रुप लिव्स फर्स्ट एंड फॉर्म कार्बोकेटायन, ठीक है। देखिए ध्यान से यहां पे CH3 CL, ठीक है ना, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, हम जानते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हेट्रोलिसिस प्रोसेस मोस्ट सपोर्टेड होता है, आसानी से हो जाएगा। बताए यहाँ पे क्या बना, CH3 पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पे क्या बन गया आपका, Cl पे निगेटिव,
जैसा कि वहां पे हम लोग किए थे नेशन वन में, वैसा ही हम लोग काम यहाँ भी करेंगे, सेम काम करना। इसलिए एसन वन ई वन एसन टू ई टू आसान पड़ जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पे सेम काम करना है। बट यहाँ पे क्या हो गया, हीट हो गया तो इलिमिनेशन होगा, वहां पे हीट नहीं है तो वहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो पहला स्टेप याद कीजिए, यही किए थे, याद कीजिए आप पहला स्टेप, कॉपी उठा के देखिए, पहला स्टेप को यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हुआ कि लीडिंग ग्रुप सी एल माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो हमें क्या बोल सकते हैं कि हेट्रोलिसिस प्रोसेस हुआ, और ये स्टेप क्या होगा आपका, स्लो स्टेप होगा, याद कीजिए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर डी एस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों होता है बताए थे ना ऐसा चीज, क्यों होता है, क्योंकि यह पहले से क्या ऐसा ऑक्टेट कंप्लीट है, और जो बाहर निकला यहाँ पे ये क्या कर दिया, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दिया। सीएल माइनस के बाहर निकलने से क्या हो गया, ऐसा ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो कोई भी कंपाउंड जल्दी से क्या होता है, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ बहुत ही कम जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता जल्दी से, इसलिए क्या होगा कि बहुत ही स्लोली धीरे 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 बाहर निकलेगा। और बाहर निकालने में कौन मदद करेगा इसको, वाटर। वाटर क्या होता है, पोलर पॉटिक सॉल्वेंट, उसके पास में क्या होता है, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है उसके सॉल्वेंट स्फीयर, जानते हैं ना, ये निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो वाटर क्या करता है, इसको अपनी तरफ सिलो खींचता है, वाटर का कौन सा एंड पॉजिटिव एंड इसको अपनी तरफ खींचेगा, और वाटर का पॉजिटिव एंड सॉरी निगेटिव एंड इसको अपनी तरफ खींचेगा, वाटर का यहाँ पे पॉजिटिव एंड इसको अपनी तरफ खींचेगा सीएल को, और वाटर का निगेटिव एंड इसको क्या अपनी तरफ खींचेगा। अरे बस समझ में, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, मतलब इसलिए क्या होता है कि हेट्रोलिसिस प्रोसेस मोर सपोर्टेड होता है किसमें, बहुत आसानी से हो जाता है किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। जैसे यहाँ पे बना कार्बोकेटायन, इसको चार्ज हमसे क्या कर देगा, सॉल्वेंट कर देगा वाटर, इसलिए यहाँ पे जल्दी से ये ब्रेक कर जाता है। अब स्टेप टू में देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये रीअरेंज भी कर सकता है कार्बोकेटायन, ठीक है। स्टेप टू में देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, वाटर, ठीक है ना। बताते वाटर का दो रोल होता है एसन वन में, एक एज ए सॉल्वेंट और दूसरा एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ भी दो रोल होगा, एक एज ए सॉल्वेंट, दूसरा कैसे होगा, यहाँ पे चूंकि हीट है तो ऐसा कैसे काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। तो ये क्या करता है वाटर, वो के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है वाटर, जो बेस की तरह काम करता है, हम लोग जानते हैं कि बेस अपना इलेक्ट्रॉन पे किसको डोनेट करता है, एच प्लस को करता है, और एच प्लस को डोनेट किया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बेस। अगर वो एच प्लस के अलावा किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो वो कैसा काम करता है वहां पे, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, बताए थे चीज ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ से एच प्लस को बाहर खींचता है, किसको, एच प्लस को, मतलब यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। आरे बात समझ में, यहां से किसको बाहर निकल रहा है, एच प्लस, तो प्लस बाहर निकलेगा, इसका मतलब क्या, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें दो, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो कार्बन का है, किसका है, एच का है, और एच के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जानते हैं ना चीज को, और एक इलेक्ट्रॉन था वो भी दे के जा रहा है, मतलब एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, कार्बन के ऊपर, और कार्बन पर निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसको हम ऐसा दिखा देते हैं, अरे बात समझ में, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 प्लस H3O प्लस, चेक कीजिए इसको। और ये स्टेप क्या होगा आपका, फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन, क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एसिड स्लैश बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। ये स्टेप क्या होगा आपका, फास्ट स्टेप होगा। देखिए ध्यान से, क्या ये टू स्टेप रिएक्शन हो गया, चेक कीजिए इसको, नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। अब देखिए ध्यान से यहां पे, अब मैं यहां पे क्या लिखना चाह रहा हूं, इसका रेट लॉ, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाह रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर डी। स्टेप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आर एक्स अल्काइल हैलाइड एंड वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें मैं क्या लिख दिया, आर एक्स
एंड वाटर, क्योंकि वाटर क्या है यहाँ पे, वाटर H2O इज अ सॉल्वेंट, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, वाटर सॉल्वेंट। इसका कंसंट्रेशन कितना हुआ, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अरे बात समझ में, इसके कंसंट्रेशन से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोचिए ना यार, कि अगर हम लोग समुद्र में एक लोटा पानी मिला दे, एक बाल्टी पानी मिला दे, या एक बाल्टी वहां से पानी निकाल दे, क्या उसके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आपका आ गया, आर एक्ट। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ Rx के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और किसी दूसरे के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां से हम निकालना चाह रहे हैं क्या, इसका पावर कितना होगा, वन होगा। तो बताइए यहां पे मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, वन ऑर्डर कितना हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर यहां पे कितना हो जाएगा, वन। चेक कीजिए यहां पे ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स। यहाँ पे कितना है, वन ही तो है, एक ही तो कंसंट्रेशन टर्म है, उसका पावर कितना है, वन ही तो है। इससे यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिमोलिक्यूलर। मॉलिक्यूलरिटी वन का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन इज यूनिमोलिक्यूलर। रिएक्शन क्या हो गया यहाँ पे, यूनिमोलिक्यूलर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर यहां तक। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E1 रिएक्शन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, E1 रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है, इसको नोट कीजिए। और इसमें हम लोग एक दो पॉइंट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे आप फीचर्स में, यहाँ पे ये लिखे ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कि फर्स्ट दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन। पहले पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि E1 रिएक्शन इज अ टू स्टेप रिएक्शन। हम यहाँ पे लिखना चाहें इसका फीचर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट में हम लोग, E1 रिएक्शन इज अ टू स्टेप रिएक्शन, ठीक है ना। सेकेंड में क्या बोलेंगे हम लोग, इन द फर्स्ट स्टेप लिविंग ग्रुप लीव्स द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म द कार्बोकेटायन। लिविंग ग्रुप लीव्स द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म द कार्बोकेटायन व्हिच कैन रीअरेंज ऑल्सो इफ पॉसिबल। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। And this first step is a RDS, that is slow step। मतलब हम लोग यहां से रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, कि इन द सेकेंड स्टेप बेस रिमूव्स द H+ एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। कैसे लिख सकते हैं, बेस रिमूव्स द H+ एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। और यह क्या बोल सकते हैं, एंड दिस स्टेप
इज अ फर्स्ट स्टेप, और ये स्टेप क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेप होता है। तो दिक्कत यहां तक, दो स्टेप क्रिएशन होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जो बना वहां पे कार्बोकेटन, वो अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज भी करेगा। रीअरेंजमेंट करने के बाद बीटा कार्बन से, मतलब जो जो बेस है वो क्या करेगा, वहां से एच प्लस को वहां से रिमूव करेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और जो मतलब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि से वो जो एच प्लस को बाहर निकाला है, वो सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, फास्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप नहीं होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर, इसको नोट कीजिए।